हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पैरालंपिक्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पैरालंपिक क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस खेल का इतिहास क्या है, इसका संचालन किसके द्वारा होता है और पैरालंपिक खेलों का मूल्य क्या है, इसमें कितने खेल होते हैं और इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर पैरालंपिक खेल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि पैरालंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें कि शारीरिक रूप अथवा मानसिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, बहु खेल का मतलब होता है बहुत सारा खेल। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के घायल सैनिकों को फिर से मुख्य धारा में लाने के मकसद से हुई। फ्रेंड्स, खास तौर पर स्पाइनल इंजरी के शिकार सैनिकों को ठीक करने के लिए इसे शुरू किया गया था। साल 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए सैनिकों की स्पाइनल इंजरी को ठीक करने के लिए स्टोक मांडेविल अस्पताल में काम कर रहे न्यूरोलॉजिस्ट सर गुडविन गुटमान ने इस रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम के लिए स्पोर्ट्स को चुना था। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सर गुडविन गुटमान ही पैरालंपिक के जनक हैं, इसलिए इनका नाम आप सभी याद में रखिएगा। और साथ ही में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि पैरालंपिक खेलों को उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर गेम्स का नाम दिया गया था। चले फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई, अर्थात पैरालंपिक खेलों की इतिहास। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सन 1948 में लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और इसी के साथ ही डॉक्टर गुटमान ने दूसरे अस्पतालों के मरीजों के साथ एक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन की भी शुरुआत की, जिसे काफ़ी पसंद किया गया और गुटमान का यह प्रयास सफल रहा। फिर देखते ही देखते डॉक्टर गुटमान के इस अनोखे तरीके को ब्रिटेन के कई इंजरी यूनिट्स ने भी अपनाया और एक दशक तक स्पाइनल इंजरी को ठीक करने के लिए यह रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलता रहा। फिर उसके बाद 1952 में फिर इसका आयोजन किया गया और इस बार ब्रिटिश सैनिकों के साथ ही डच सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। और फ्रेंड्स, इस तरह से इसने पैरालंपिक खेल के लिए एक मैदान तैयार किया। उसके बाद जब 1960 में रोम में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, उस टाइम न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गुटमान 400 व्हील चेयर लेकर ओलंपिक शहर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने पैरा लोगों के लिए खेल का आयोजन किया, जिसमें कि सैनिकों के साथ ही आम लोग भी भाग ले सकते थे। और फ्रेंड्स, यहीं से हुई मॉडर्न पैरालंपिक की शुरुआत। और इस पहले पैरालंपिक खेल में 23 देशों के 400 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 1960 में जब रोम में पैरालंपिक का आयोजन किया गया, उसके बाद से जहाँ जहाँ भी ओलंपिक का आयोजन किया जाता था वहाँ वहाँ पर पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाता था। साथ ही में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन के मार्गरेट मार्गन पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बने। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि मार्गरेट मार्गन आर्चरी इवेंट में गोल्ड मेडल जीते थे। आर्चरी इवेंट मतलब होता है तीरंदाजी। आर्चरी इवेंट डॉक्टर गुटमान के ट्रीटमेंट का एक अहम हिस्सा था। इसके बाद फ्रेंड्स, शुरुआती पैरालंपिक में तैराकी को छोड़कर खिलाड़ी सिर्फ व्हील चेयर के साथ ही भाग ले सकते थे, लेकिन 1976 में दूसरे तरह के पैरा लोगों को भी पैरालंपिक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स, 1980 के बाद पैरालंपिक को लोकप्रियता मिली। राजनीतिक उथल पुथल के चलते इसे 1980 में मॉस्को ने पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 1980 में मॉस्को में ही ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, उसकी वजह से मॉस्को ने पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम को इन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी का मौका दिया गया, जिसमें कि 42 देशों के करीब 2500 पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि पैरालंपिक आंदोलन 1984 में दिमाग से कमजोर एथलीटों को पहली बार शामिल किया गया, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर की थी। ये पहला मौका था जिसमें व्हील चेयर मैराथन रेस को शामिल किया गया। और साथ ही में फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि 80 के दशक में पैरालंपिक अपने चरम पर था। इसके बाद फ्रेंड्स, जब पैरालंपिक सबको सियोल में 1988 में आयोजित किया गया, उस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC ने इसका नाम अनुमोदित करके पैरालंपिक्स रख दिया। यह 24 साल में पहली बार पैरालंपिक के रूप में इसी शहर में आयोजित किया गया था। अर्थात फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जब पैरालंपिक्स की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स रखा गया था, लेकिन सन 1988 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसका नाम व्हील चेयर गेम्स से बदल करके पैरालंपिक्स रख दिया गया।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि पैरालंपिक खेलों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पैरालंपिक खेल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति अर्थात इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा किया जाता है। यह समिति शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों पैरालंपिक खेलों का आयोजन करती है और इन खेलों से जुड़े सभी प्रकार के फैसले भी लेती है। साथ ही में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आईपीसी अर्थात इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की स्थापना 22 दिसंबर 1989 को किया गया था। इसका मुख्यालय बॉन में है, जो कि जर्मनी में स्थित है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है एंड्रयू पार्सन्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं पैरालंपिक के मूल्य। पैरालंपिक खेलों का मूल्य 4 है, साहस, दृढ़ संकल्प, प्रेरणा और समानता। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि साहस यानी पैरा एथलीट अपने प्रदर्शन के माध्यम से दुनिया को दिखाते हैं कि अपने शरीर को उसकी पूर्ण सीमा तक परीक्षण करने पर क्या हासिल किया जा सकता है। दृढ़ संकल्प, इसका मतलब है कि पैरा एथलीटों में चरित्र की एक अनूठी ताकत होती है जो खेल प्रदर्शन का निर्माण करने के लिए मानसिक दृढ़ता, शारीरिक क्षमता और उत्कृष्टता, चपलता को जोड़ती है, जो नियमित रूप से संभावना की सीमाओं को फिर से परिभाषित करती है। फ्रेंड्स, तीसरा है प्रेरणा अर्थात इंस्पिरेशन, रोल मॉडल के रूप में। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पैरा एथलीट अपनी क्षमताओं को अधिकतम करते हैं और दूसरों को सक्रिय होने के लिए सशक्त और रोमांचक बनाते हैं ताकि और दिव्यांग व्यक्ति खेल में भाग ले सकें। और चौथा है फ्रेंड्स समानता, समानता यानी कि इक्वालिटी। इस खेल के माध्यम से पैरा एथलीट विविधता का जश्न मनाते हैं और दिखाते हैं कि अंतर एक ताकत है, ना कि कमजोरी। समावेश के अग्रदूत के रूप में वे रूढ़िवादिता को चुनौती देते हैं और दृष्टिकोण बदलते हैं, और साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सामाजिक बंधन और भेदभाव को तोड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि पैरालंपिक में कितने खेल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पैरालंपिक में टोटल 28 खेल होते हैं, जिसमें से कि 22 खेल ग्रीष्मकालीन में आयोजित किए जाते हैं और 6 खेल शीतकालीन पैरालंपिक में आयोजित किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं पैरालंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पैरालंपिक का आदर्श वाक्य स्पिरिट इन मोशन है। और फ्रेंड्स, यह आदर्श वाक्य 2004 में एथेंस में पैरालंपिक खेलों में पेश किया गया था। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये जो पैरालंपिक का आदर्श वाक्य है स्पिरिट इन मोशन, यह प्रतीक पैरालंपियन की दृढ़ इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। पैरालंपिक प्रतीक इस तथ्य पर जोर देता है कि पैरालंपिक एथलीट लगातार अपने प्रदर्शन से दुनिया को प्रेरित और उत्साहित करते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। साथ में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि पिछला जो आदर्श वाक्य था वो था माइंड बॉडी स्पिरिट, जिसे 1994 में शुरू किया गया था। ये 1994 से लेकर के 2004 तक रहा, उसके बाद 2004 में इसे चेंज करके स्पिरिट इन मोशन कर दिया गया। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा वीडियो फ्रेंड्स समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने पैरालंपिक के बारे में पूरे विस्तार से बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरालंपिक में भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, अगर आप ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो उस पर हमने 16 वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खेलते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।